हेलो क्लास, दिस इज़ योर ईवीएस सेशन। एवरीवन टेक आउट योर बुक हेल्दी प्लैनेट। क्लास, इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 12 सेफ्टी फर्स्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया था और ये बताया था सेफ्टी रूल फॉलो करना यानी सेफ्टी जो हमारी सुरक्षा के नियम है उनको फॉलो करना, उनका पालन करना क्यों ज़रूरी है। क्यों? ताकि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हो, हमें चोट नहीं लगे, नुकसान नहीं पहुँचे। अभी तक हमने सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी एट स्कूल के बारे में पढ़ा था कि घर में हमें इलेक्ट्रिक वायर के साथ, इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना है और आग के साथ नहीं खेलना है, आग से दूर रहना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट जो होते हैं, तेज़ धार चीज़ें होती हैं, चाकू, छुरी, ब्लेड, इन सब से दूर रहना चाहिए, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। इस तरह से तो ये सब जो सेफ्टी हैबिट है हमें घर में यूज़ करनी चाहिए। कोई माचिस नहीं जलाना, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, आपको नहीं पता वो माचिस से आप जल सकते हो, आपके कपड़े जल सकते हैं, आप खुद जल सकते हो। और सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं कि दूसरों को हमें पुश नहीं करना, धक्का नहीं देना, कभी भी डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़े नहीं होना, क्योंकि उससे आप गिर सकते हो। और स्कूल में जब भी आप स्कूल जाओ तो आपको किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के साथ स्कूल से घर वापस नहीं आना। जैसे आपके मम्मी या पापा आपको लेने आने में लेट हो जाएं तो आप किसी अनजान आदमी के साथ कभी भी नहीं आएंगे घर, क्योंकि वो आपको कहीं और लेके जा सकते हैं, है ना। और जब भी आप कभी स्कूल में गलती से बीमार हो जाएं तो क्या होता है कि आपको कहाँ पे ले जाया जाता है, सिक रूम में, यानी बीमारी वाले कमरे में, जहाँ पे बीमार लोगों को रेस्ट करने के लिए जगह होती है। और ये हमने पढ़ा था कि कभी भी हमें स्कूल के कॉरिडोर में, कॉरिडोर क्या होती है, जो स्कूल में गैलरीज बनी होती हैं, वहाँ पे कभी हमें रन नहीं करना, भागना नहीं है। ओके, नाउ अब हम इसके आगे जो रीड करने वाले हैं वो क्या है, सेफ्टी ऑन द रोड। बच्चों, सेफ्टी ऑन द रोड यानी रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर सुरक्षा। सड़क के ऊपर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप सभी जानते हो सड़क के ऊपर तो कितनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर आप सड़क के ऊपर सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करोगे तो बच्चों आप इन गाड़ियों से टकरा सकते हो, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, नॉट ऑन द मिडल ऑफ द रोड। जैसे अगर आप गाड़ी में हैं तब तो आप गाड़ी में ही चलेंगे सड़क पे, लेकिन अगर आप सड़क के ऊपर पैदल चल रहे हो बच्चों, तो आपको कहाँ चलना है, फुटपाथ पर। कहाँ चलना है, फुटपाथ। फुटपाथ होता है सड़क के किनारे किनारे में पटरी बनी होती है, उसे फुटपाथ कहते हैं, और वो लोगों के पैदल चलने के लिए बनी होती है। नॉट इन द मिडल ऑफ द रोड यानी ऐसे सड़क के बीच में बातें करते हुए नहीं चलते। क्या होता है, इससे हमारा ध्यान जो है वो बातों में हो जाता है और पीछे से कोई भी गाड़ी हमें टक्कर मार सकती है। नेवर रन अक्रॉस और प्ले ऑन द रोड। सड़क पे कभी भी भागना नहीं है, कभी प्ले नहीं करना है, कभी खेलना नहीं है सड़क पर, क्योंकि खेलने की जगह नहीं है रोड। ऑलवेज क्रॉस द रोड, हमेशा जब आपको रोड क्रॉस करना है, क्रॉस करना है मतलब सड़क पर एक जगह से दूसरी तरफ जाना है, सड़क को पार करना है, तो कहाँ से हम रोड क्रॉस करेंगे बच्चों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको मालूम है, एक ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस बनी होती हैं सड़क के बीच में, कि वो लाइन जहाँ बनी होती है वहाँ पर आके सब गाड़ियाँ एकदम स्लो हो जाती हैं, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पता होता है कि कोई भी आदमी आके यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा, तो गाड़ी वाले को मालूम होता है कि मुझे यहाँ पर स्लो चलाना है। विद अ ग्रोन अप, और जब भी आप रोड क्रॉस करो किसी ग्रोन अप यानी किसी बड़े आदमी के साथ करो, आप छोटे बच्चे हो अभी, अकेले कभी आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। लुक टू योर राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन, यानी सड़क पार करने से पहले बच्चों पहले राइट साइड देखो, फिर लेफ्ट साइड देखो, फिर राइट साइड देखो, यानी सड़क पे दोनों तरफ अच्छे से चेक कर लो दूर दूर तक कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो बेटा आपको वहाँ पे वेट करना है, और अगर नहीं आ रही है तो आप आराम से सड़क क्रॉस कर सकते हो। इफ़ बोथ साइड्स आर क्लियर, यानी दोनों साइड अगर क्लियर हैं यानी कोई गाड़ी नहीं है क्रॉस द रोड, तभी सड़क को पार करना है। स्टैंड इन लाइन वाइल गेटिंग ऑन अ बस, जब आप बस में चढ़ते हो बच्चों तो आपको एक लाइन बना के चढ़ना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। गेट ऑन और ऑफ द बस ओनली व्हेन आफ्टर इट हैज़ स्टॉप्ड कम्प्लीटली, जब भी आपको गेट ऑन यानी बस में चढ़ना है या गेट ऑफ बस से उतरना है, तो कब उतरोगे, जब बस कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो जाए, पूरी तरह रुक जाए। हल्की हल्की चलती हुई बस में ना तो चढ़ना है ना ही चलती हुई बस से उतरना है, तो आप बहुत ज़ोर से गिर सकते हो। सिट ऑन योर सीट, हमेशा अपनी सीट पर बैठो। डू नॉट स्टिक योर हेड और हैंड आउट ऑफ द विंडो, जब भी आप बस में बैठो बच्चों तो अपना हेड यानी अपना सिर या अपना हैंड विंडो के बाहर नहीं निकालना, नहीं तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो जो आपके रोड पे साथ में गाड़ी चल रही है उससे आप टकरा जाओगे।
डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. ड्राइवर कौन होते हैं? जो गाड़ी चलाते हैं. जब भी आप गाड़ी में बैठो तो बच्चों कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करो, परेशान नहीं करो, उससे बातें वगैरह नहीं करो, क्योंकि ड्राइवर आपसे बातें करेगा तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकता है. ठीक है, तो ड्राइवर को ध्यान से गाड़ी चलाने दो. इन अ कार, कार में सिट ऑन द बैक सीट. जो बच्चे होते हैं उन्हें कभी भी फ्रंट सीट, आगे वाली सीट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर कार में थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो आप आगे की तरफ गिर जाओगे. हमेशा बच्चों को बैठना चाहिए बैक सीट, यानी पीछे वाली सीट पर. वेयर द सीट बेल्ट. जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो बच्चों इस तरह की सीट बेल्ट होती है, ये सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है. ये सीट बेल्ट हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से बचाती है. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड यानी प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड क्या होता है बच्चों? खेल का मैदान. खेल के मैदान में सुरक्षा, कैसे खुद को खेलते हुए आपको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है. ऑलवेज प्ले इन सेफ प्लेस सच एज इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड. हमेशा जब भी आप प्ले करो तो आप किसी पार्क में प्ले करो या प्लेग्राउंड में, यानी किसी पार्क में खेलने जाओ या फिर खेल के मैदान में. डू नॉट प्ले नियर द वाटर. और हाँ बच्चों, कहीं पे भी अगर पानी हो, छोटी सी नदी बनी हो, तालाब बना हो, या कोई भी गड्ढा हो, पानी वगैरह हो जहाँ, वहाँ बिल्कुल नहीं खेलना, क्योंकि आप पानी में गिर सकते हो खेलते खेलते. ठीक है, तो पानी वाली जगह कभी भी उसके पास में नहीं खेलना है. डू नॉट स्टैंड ऑन द स्विंग्स और स्लाइड्स. कभी भी झूले के ऊपर, हमेशा ऐसे बैठ के झूला झूलना है, इसके ऊपर खड़े नहीं होना है, नहीं तो आप गिर सकते हो. ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न. यानी जब भी आपको झूले झूलने हैं तो आपको क्या करना है, अपनी टर्न का वेट करना है, अपनी बारी आने का इंतजार करना है. ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट पुश अदर. बच्चों हमेशा अपनी बारी आने का इंतजार करो. डू नॉट पुश अदर यानी कभी किसी दूसरे को पुश मत करो, धक्का मत दो. गेट होम बिफोर डार्क. और हाँ, जब भी आप खेलने जाओ एक बात का बहुत ध्यान रखना है, गेट होम, घर वापस आ जाओ बिफोर डार्क, यानी अंधेरा होने से पहले, क्योंकि अंधेरा होने के बाद में क्या होता है, आप खो सकते हो. ठीक है, सेफ्टी व्हेन यू गो आउट. और जब आप गो आउट यानी बाहर जाते हो तो आपको खुद को कैसे सेफ रखना है? जैसे कि बच्चों आजकल हम कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते, फिर भी हमें बहुत मजबूरी में जाना पड़ता है. जैसे आपके पापा को ऑफिस जाना पड़ता होगा, मम्मी को कभी कभी मार्केट जाना पड़ता है, तो वो बिल्कुल सेफ्टी से निकलते हैं ना, मास्क पहन के, सैनिटाइज़र हाथ में लेके, है ना, कि किसी चीज़ को टच करो तो हैंड सैनिटाइज कर लो, मास्क लगाने से, जिससे हम सेफ रहें. तो ये तो मैंने आपको आजकल कोरोना वायरस पीरियड की बात बताई है, लेकिन वैसे जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं, खुद को कैसे सेफ रखना है? Stay close to your parents or the grown-up who is with you. जब भी आप कभी बाहर जाओ बच्चों, तो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ में चलो, ये नहीं उनसे आगे आगे भाग रहे हो. इससे क्या होगा, आपको कोई पकड़ के लेके जा सकता है ना, आप रास्ता भटक सकते हो. और grown-up या आप जिस किसी बड़े के साथ आए हो, हमेशा उनके साथ ही रहो और उनके साथ ही चलो. Do not go to crowded places alone. क्राउडेड प्लेसेस यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कभी भी अलोन यानी अकेले नहीं जाते हैं बच्चों. इफ़ यू आर लॉस्ट, अगर आप खो गए, आस्क अ पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड टू हेल्प यू. तो ऐसे किसी अनजान, किसी स्ट्रेंजर आदमी से आपको नहीं बोलना है कि आपकी मदद करें. अगर आपके आसपास में कोई पुलिसमैन है, कोई पुलिस वाले हैं, या कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, जैसे कि गार्ड वगैरह, चौकीदार वगैरह होते हैं, तो आप उनसे बोलो कि वो आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें. डू नॉट टच थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू यू. कभी भी आप बाहर जाओ और आप देखो कोई बड़ा अच्छा टॉय पड़ा है या किसी का बैग पड़ा है, कोई इसके पास नहीं खड़ा, तो बच्चों उसे कभी टच करने की गलती मत करना. जो आपका सामान नहीं है हमें उसे कभी नहीं छूना चाहिए. उसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ हो सकती है, कोई बॉम्ब हो सकता है ना. तो जो सामान आपका नहीं है कभी उसे हाथ नहीं लगाना. या फिर कोई आपको ये भी कह सकता है कि आप इसको चुरा रहे हो, है ना, तो कभी किसी का सामान टच नहीं करते. If you or someone else get hurt, और इतनी सारी सेफ्टी रूल फॉलो करने के बाद भी कभी गलती से आपको चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? कॉल अ grown-up. grown-up यानी बड़े. आप किसी बड़े को बुलाओगे, मम्मी को, पापा, भैया, दीदी, स्कूल में हो तो मैम को बुलाओगे. ठीक है, तो जब भी आपको चोट लग जाए आप किसी बड़े को बुलाओगे. They can give you first aid and call a doctor. वो आपको first aid देंगे. First aid क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार. वैसे तो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले, जैसे मान लो आप गिर गए, कोई आपको उठाता है,
साफ़ जगह बिठाए, आपको पानी वगैरह पिलाए, अगर खून निकल रहा है तो उसके ऊपर साफ़ कपड़ा बांध दे, डिटॉल से साफ़ कर दे। तो ये सब चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड। क्या होती हैं? फर्स्ट एड। डॉक्टर के पास जाने से पहले कोई हमारी बीमारी में या चोट लगने में मदद करे तो उसे फर्स्ट एड कहते हैं बच्चों, ठीक है। एंड कॉल अ डॉक्टर, और फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगर आपको गलती से सेफ्टी रूल फॉलो करने के बाद भी चोट लग जाती है बाय चांस, तो हमें डॉक्टर को बुलाना है, अपने बड़ों को बुलाना है, ठीक है। नाउ वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज। देखो बच्चों, मैं आपको ही फिलअप्स बता रही हूँ। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सीडेंट्स, इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। अगर हम सेफ्टी रूल को फॉलो करें तो अवॉइड, अवॉइड यानी कि हम दूर रह सकते हैं किससे, एक्सीडेंट से, यानी हमारे साथ कोई बुरी घटना नहीं होगी। डैश मीन्स प्रोटेक्टिंग आर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। सेफ्टी, सुरक्षा का मतलब है खुद को प्रोटेक्ट करना यानी बचाना गेटिंग हर्ट, चोट लगने से। वी शुड नेवर टॉक टू, हमें कभी किसी से किससे बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से। वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट, हमें हमेशा रोड कहाँ से क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड प्ले इन अ, हमें हमेशा कहाँ खेलना है, पार्क और अ प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब हम ट्रू फॉल्स करते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ओनली एट होम, यानी जब आप घर में हो तभी आप सुरक्षा के नियमों का पालन करोगे, फॉल्स। हमें तो पार्क में, स्कूल में और घर से बाहर निकलते हुए हर जगह सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। वी शुड प्ले विद नाइव्स एंड ब्लेड, क्या हमें छुरी से और ब्लेड से खेलना चाहिए, फॉल्स, नहीं। कभी भी किसी तेज धार हथियार से, शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलते हैं बच्चों। वी शुड नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस, हमें कभी भी सीढ़ियों पे भागना नहीं चाहिए, भागते भागते नहीं उतरना चाहिए, ट्रू, ये बात सही है। इफ़ वी गेट हर्ट, अगर हमें चोट लग जाए, वी शुड कॉल अ ग्रोन अप, हम किसी ग्रोन अप यानी बड़े आदमी को बुलाएंगे, ट्रू। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नोटबुक में एक्सप्लेन करूंगी, अब हम ये मैचिंग करेंगे। बच्चों एक बात मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ, जो बच्चा ऐसी लाइंस और क्रॉस वाली मैचिंग करेगा पेपर में उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सभी बच्चों को ये नंबरिंग वाली मैचिंग करनी है, ओके। वी शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक गैजेट, हमें इलेक्ट्रिक गैजेट को यानी इलेक्ट्रिक जो मशीनें होती हैं उन्हें कैसे हाथ नहीं लगाना है, विद वेट हैंड, गीले हाथों से नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। वी शुड नॉट लीव स्कूल, हमें कभी भी स्कूल से नहीं निकलना, किसके साथ, विद अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी आदमी के साथ। वी शुड वॉक, हमें चलना चाहिए, कहाँ पर, ऑन अ फुटपाथ, हमेशा पटरी पर चलना चाहिए, पैदल पथ पर। वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, वी शुड नॉट, हमें क्या नहीं करना है, डिस्टर्ब द ड्राइवर, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करो, ड्राइवर से बातें मत करो, उन्हें परेशान नहीं करो, वरना एक्सीडेंट हो जाता है। वी शुड नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना है, नियर वाटर, पानी के पास में, नहीं तो हम पानी में गिर सकते हैं, राइट। तो क्लास ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। आप सभी को मालूम है ट्रैफिक लाइट में 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, और आपको यहाँ लिखना भी है कि हर लाइट का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि देखो, रेड लाइट का क्या मीनिंग होता है, स्टॉप मीन्स रुक जाओ। ग्रीन लाइट का क्या मीनिंग होता है, गो, अब आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है। और येलो लाइट का मीनिंग क्या होता है, वेट, यानी अभी आपको गाड़ी ले जाने के लिए इंतज़ार करना है, राइट। आप इसमें कलर करेंगे, बैक एक्सरसाइज को बुक्स में कंप्लीट करेंगे। क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो मैंने चैप्टर रीड करवाया है उसे आप उतना ही आज लर्न करेंगे, उतना ही आज रीड करेंगे और अपना SA1 का सिलेबस जो है उसे रिवाइज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।